कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। तहसीलदार कार्यालय के बाहर अगर इन टाइपराइटरों के ऊपर कार्रवाई होती है तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि दिव्यांगों के लिए प्रशासन ने क्या विकल्प यहाँ पर बना रखे हैं, क्योंकि इस कार्रवाई के बाद कई ऐसे यहाँ पे दिव्यांग हैं जो कि पिछले कई सालों से अपने घर की रोजी रोटी चला रहे हैं। बेशक अगर यहाँ कार्रवाई होती है तो इन दिव्यांगों को सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा और इन्हें अपनी रोजी रोटी से हाथ गंवाना पड़ेगा। भाई, अगर आप देश के युवा हैं और अगर आप बेरोजगार हैं तो कुछ नहीं, आप पकौड़े तल सकते हैं, और अगर आप दिव्यांग हैं तो कुछ नहीं, लेकिन महानगर पालिका या फिर कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई होगी। भले ही आप कितने भी सालों से जो है व्यवसाय कर रहे हो, दिव्यांग है लेकिन आपको सरकारी योजनाएं नहीं मिली, तो आपके ऊपर कार्रवाई निश्चित होगी। यानी कि सरकार ने, यानी कि प्रशासन ने कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा आपके लिए कि आप किसी भी तरीके से खुद के पैरों पर खड़े हो जाएँ। अब जो है हम तहसीलदार कार्यालय में हैं। इस कार्यालय की यदि बात करें तो महत्वपूर्ण ये इसलिए है क्योंकि दस्तावेज यहीं से बनते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि प्रशासनिक जो कि विकल्प मिलते हैं, यानी कि जो योजनाएँ मिलती है वो यहीं से मिलती है। लेकिन यहाँ पर भी जो परेशानी है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि महानगर पालिका ने 15 दिनों का नोटिस यहाँ के बाहर जो टाइपराइटर्स हैं उन्हें दिया हुआ है। ये वही टाइपराइटर्स हैं जो कि सरकारी दस्तावेजों को बनाने के लिए, जो कि पेपर वर्क होता है उसे पूरा करने के लिए बाहर रहते हैं। अगर ये ना हो तो आप समझ सकते हैं कि सरकारी दफ्तर में बैठा हुआ कर्मचारी किस प्रकार से आपकी हालत कर देगा, क्योंकि इन्हें तो कुछ आता ही नहीं है। बहरहाल, अब जो समस्या यहाँ पर यह है कि किसी भी तरीके का विकल्प जो है यहाँ पे छोड़ा नहीं। हमने आपको बताया कि इस कार्रवाई में जो है 6 लोग ऐसे होंगे जो कि दिव्यांग हैं, लेकिन जिस तरीके से झिंडोरा पीटा जाता है कि दिव्यांगों के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं लाई गई है, इस योजना के तहत इनके घरों को चलाया जाएगा, लेकिन वहीं पे सवाल अब ये उठता है कि जब दिव्यांग खुद अपने पैरों पे खड़ा है तो प्रशासन उन्हें वो योजनाएं क्यों नहीं दे पाता जो कि सरकारी दफ्तरों में बंद है। महानगर पालिका द्वारा किस प्रकार का नोटिस जो है आप लोग को भेजा गया? महानगरपालिकेने आम्हाला सर्वांना नोटीस दिली आणि सरसगट नोटीस दिलेली आहे। अपंग वेगळे म्हणून काही कुठलाही नियम काही काहीच न, कलम सगळ्यांना सारखी नोटीस दिली। तर माझं म्हणजे एवढंच म्हणणं आहे महानगरपालिकेला की एवढ्या नोटीसी दिल्या, कमीत कमी 4 ते 5 अपंग आहेत या ठिकाणी धंदा करतात गेल्या 15 ते 20 वर्षापासून, आणि त्यात मी अपंग, माझे मिसेस अपंग, शासनाने थोडा तरी अपंगाचा विचार करावा, माझं एवढंच सांगणं आहे। कितने वर्षों से यहाँ पे जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, ये जानना चाहें कितने सालों से? मैं 99 से यहाँ पे अपना व्यवसाय कर रहा हूँ। महानगर पालिका का परमिशन निकाल के UMC नंबर भी है मेरे टपरी को, फिर भी कोई कागज चेक नहीं किए, कुछ नहीं, डायरेक्टली 3-3 नोटिस भेज दिए। दिव्यांगों के लिए इतनी योजनाएं हैं सरकार द्वारा, इस तरह की कार्रवाई के बाद जब आपकी रोजी रोटी यहां से जो है कहीं ना कहीं असर पड़ जाएगा, छिन जाएगी, तो उसके लिए कोई पराए कोई योजना के तहत सरकारी कुछ एक बंदोबस्त करके दिया गया? नहीं, कोई बंदोबस्त नहीं किया है, कोई चर्चा नहीं की है, डायरेक्टली नोटिस भेज दिए, 3-3 नोटिस भेजा है। उल्लासनगर के गांधी रोड चौक में गए 15 से 20 साल से 5-6 अपंग अपना रोजी रोटी चला रहे, कम से कम उनका तो सोचना चाहिए कि हैंडीकैप कहाँ जाएगी। आपका नाम क्या है, घर में कितने परिवार के सदस्य? मेरा नाम बालू ब्रिजलाल महानुभव है, मैं भी हैंडीकैप है, मेरे मिसेस हैंडीकैप है, और मेरे को 3 बेटियाँ है। तो पढ़ाई करते हैं? हाँ, एक 9वीं में, एक 7वीं में और एक 3री में। सर, हमारा ये जो व्यवसाय है ये लगभग 15 साल से ज़्यादा कालावधि से है। हम यही व्यवसाय से हमारा और हमारे फैमिली का गुजारा करता है। जो महानगर पालिका है इन्होंने हमको निष्कासन का आदेश कुछ ऑर्डर दिया है, वो आदेश के वजह से पूरे तहसील परिसर में जितने दुकानें हैं उनमें थोड़ा सा डर जैसा वातावरण निर्माण हुआ है। स्पेशल किस प्रकार का जो है ये नोटिस दिया गया है, कितने दिनों की कार्रवाई का ये नोटिस दिया है? सर, इन्होंने 15 दिन के अंदर आप अपना जो दुकान है वो खाली करके पालिका को कार्रवाई करने के लिए छोड़ दो, ऐसा करके हमको वो नोटिस में लिखा है, और तुम्हारे पास कोई भी बांधकाम परवानगी या कुछ भी नहीं है, ऐसा करके उसमें लिखा है। अच्छा, इस कार्रवाई के दौरान जो पूरा परिसर जो टाइपिंग का है, इसमें कई दिव्यांग लोग भी हैं जो कि पिछले कई सालों से जो अपना घर अपना रोजी रोटी यहाँ से चला रहे हैं, तो उन्हें क्या दिक्कत है, क्या कोई सरकारी योजना के तहत उन्हें कुछ और विकल्प दिया गया? सर, दिव्यांगों के बारे में तो ये है, जो उल्लासनगर महानगर पालिका प्रशासन ने पिछले 15 साल से जो उनको स्टॉल मिलते हैं, स्टॉल का जो प्रक्रिया प्रलंबित रखे, वो अपना जो DP प्लान या और कोई प्लान है उसका वजह देखे, वो पूरा की पूरा प्रलंबित रखे, और जो हैंडीकैप लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, वो अपना स्वयं रोजगार खुद होके कुछ ना कुछ चला रहे, उसके ऊपर भी अगर निष्कासन कार्रवाई हो गया तो दिव्यांग को
भूखमारी का परिस्थिति आ सकता है, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो मैं पालिका प्रशासन से विनती करना चाहता हूँ कि अब ये जो शहर का विकास हो रहा है उसके लिए सभी दिव्यांग पूरी तरह से सहयोग देंगे, लेकिन विकास होते होते किधर तो हैंडीकैप लोगों के बारे में भी स्पेशली उल्लासनगर महानगर पालिका प्रशासन ने सोचना चाहिए। 100% अपंग है तो मैं इधर आके चक्कर मार मार के परेशान हो गए। मैं स्टॉल के लिए फॉर्म भरा था तो मेरे को स्टॉल का नो ये किया, मैं इधर परेशान हो गया आके मैं दिन में कितने समय से आ रहे हैं जो है अपना काम कराने के लिए स्टॉल का। मैं सर मैं काफ़ी से 5-6 साल से घूम रहा है इधर स्टॉल के लिए से। 5-6 साल से आप भटक ही रहे हैं, मतलब योजना के तहत कुछ नहीं किया गया। योजना मैंने सर 2 योजना मेरे को मिली है, एक महानगर पालिका से 12,000 रुपये मिली है, यानी सर 1,000 रुपये महीना मेरे को चालू है, बाकी कुछ योजना मेरे को मिलती नहीं है। अच्छा, वो जो पैसे जो कि लाभ मिलते हैं आर्थिक से, तो उसमें देरी होती है या फिर समय समय पर? समय से में मिल जाते हैं सर वो हमको, उसमें नहीं देरी होती है, मगर ये स्टॉल के लिए और गाड़ी के लिए ना मैडम सर हमको बहुत त्रास होता है, मतलब बहुत तकलीफ लेते हैं। हमारी व्हीलचेयर ख़राब है, व्हीलचेयर के लिए बहुत मांगने की महानगर पालिका से, तो हमको व्हीलचेयर दी नहीं। बहरहाल कई ऐसे लोग भी इसमें मिले जो कि इतने ग्रेजुएट थे, इतने पढ़े लिखे हुए थे कि उन्हें भी इस तरीके का काम करना पड़ रहा था। वहीं पे ऐसे रोज़गारी के लिए ऐसे एजुकेटेड लोगों को जो दिव्यांग हैं उन्हें किसी भी प्रकार की योजना नहीं मिल पाती। बहरहाल अब देखना यह है कि दफ्तरों में पड़ी हुई योजना सिर्फ योजना ही रह जाएगी या फिर इस तरीके से विकास के नाम पर जो कार्रवाई हो रही है उन दिव्यांगों के लिए सरकार कोई विकल्प ढूंढ पाएगी। कैमरा पर्सन सोनू शिंदे के साथ कुणाल कपूर, कोणार्क न्यूज़। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।